शेफ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, उसको अच्छे से सर्व करना भी आनी चाहिए। व्हाट्सअप सेफ जीकेवी फॉर बुक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 टिप्स, जिसको फॉलो करके आप अपना फूड ट्रायल को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्या आप फूड ट्रायल में जाने की तैयारी कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका फूड ट्रायल आसानी से क्रैक हो जाए। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो अपने करियर में आपको कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए कुछ मेहनत तो करना होगा, कुछ नया चीज़ सीखना होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हम अभी आगे बढ़ते हैं ये 5 टिप्स के साथ, जिसको आप अप्लाई करके अपना फूड ट्रायल को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आज का टिप नंबर 1 है एडवांस मेनू प्रिपरेशन। आपको फूड ट्रायल में जाने से पहले मेनू बनाना है। जो भी डिशेस वहाँ पे देने वाले हो, उस सारा का आपको एक एक करके लिखना है आप कितना डिशेस वहाँ पे देने वाले हो। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि मैं ये डिशेस ऐसा वहाँ पे देने वाला हूँ। टिप नंबर 2, मेक इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। आपको पता है कि आपको वहाँ पे कितना खाना देना है, कितना डिशेस देना है, लेकिन वो खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारा सामान लगेंगे, तो उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा लिख सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, इंग्लिश वेजिटेबल्स, चिकन, मटन, सी फूड। ऐसा आप लाइन बाय लाइन करके आप कितना क्वांटिटी में आपको इंग्रेडिएंट्स लगता है, उस सारा का भी आप लिस्ट बनाएं। टिप नंबर 3, बी ऑन टाइम। आपको अगर कोई बोलता है कि 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है, तो आप 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ। अगर आप टाइम पे पहुँचते हो तो आपको एक रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हमेशा काम खराब होता है। तो इसके लिए आप हमेशा टाइम पे पहुँचें या उससे कुछ मिनट पहले ही पहुँचें और अपने आप को रिलैक्स करने का एक टाइम दें। टिप नंबर 4, कैरी योर ओन डस्टर एंड नाइफ। आप जब भी फूड ट्रायल में जाते हो तो अपना एक नाइफ साथ में कैरी करें और एक डस्टर भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि आपको वो नाइफ से कटिंग करने में बहुत ही आसानी होगा, तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। टिप नंबर 5, फूड प्रेजेंटेशन। शेफ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, उसको अच्छे से सर्व करना भी आनी चाहिए। आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपको अच्छा प्लेटिंग भी करना है, क्योंकि सबसे पहले हम कुछ भी चीज़ अपने आँखों से देखते हैं। अगर वो अपने को देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम खाना भी उसको पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए आप जो भी खाना इतना मेहनत करके फूड ट्रायल में बनाए हो, उसको अच्छे से सर्व करें। जब भी आप पिकअप करते हो तो उसको एक अच्छा प्लेट में अच्छे से गार्निश करके उसको सर्व करें, ताकि वो दिखने में भी बहुत ही शानदार लगें। अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हो तो आप अपना फूड ट्रायल को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फूड ट्रायल। फूड ट्रायल से आने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि आपका एक्सपीरियंस फूड ट्रायल में कैसे रहा। थैंक यू।